देखते क्या बना रही है। कुछ आता नहीं। ससुराल में पहली बार कुछ तो बना रही है। ये वाली हो गया पूरा। हेलो गाइस, तो गाइस आज मैं थोड़ा लेट ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अभी शाम हो गई है। हम लोग आज पूरा दिन बाहर थे, उठ के मैंने थोड़ा वीडियो एडिट किया। वीडियो इधर डालना बहुत ज्यादा मुश्किल है, नेटवर्क का इश्यू है, पर कैसे कैसे करके डाला मैंने। और उसके बाद हम लोग शिवा की दीदी के घर पे गए, जो मेरी भी दीदी है अभी, तो उनके घर पे हमने खाना खाया और उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को गिफ्ट। तो ये साड़ी दिया उन्होंने, साड़ी बहुत ही ज्यादा सुंदर है, खोल के मैंने देखा। उसके बाद हम लोग मेले में गए, यहाँ पे एक बड़ा सा मेला था, तो वहां पे मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि काफी ज्यादा वहां पे रश था। मैंने पहली बार देखा इतना ज्यादा रश, तो बहुत मजा आ रहा है मुझे गाइस, यहाँ पे लिटरली बहुत मजा आ रहा है। तो अभी मैंने सोचा कि इन लोगों को कुछ मैं अपने हाथ का खिलाती हूँ। मैं बस जब से आई हूँ तब से ये लोग ही मुझे बना के खिला रहे हैं, सब कुछ मेरा यही लोग कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ तो शुरुआत करते हैं। तो मुझे कुछ बनाना आता नहीं है, फिर भी मैं सोच रही हूँ कि कुछ ना कुछ बनाऊं। मतलब मेरी जो सासू माँ है वो बिल्कुल बोलती है कि नहीं, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन लोग को पता है कि मुझे आता ही नहीं है। मुझे कोई ऐसा कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ऐसा मैं किचन में जाके बोल रही हूँ कि मैं हेल्प कर देती हूँ, तो भी वो बोल रहे हैं नहीं तू जा, तेरा हाथ वाथ जल जाएगा, तू कुछ भी मत कर। पर आज मैं बनाने वाली हूँ मैगी, तो मैंने अपने देवर को अभी फोन करके बोला कि प्लीज दो चार पैकेट मैगी लेके आओ। इधर मैगी मिलता है या नहीं मुझे पता नहीं, क्या मिलेगा वो भी मुझे नहीं पता, तो मैं ट्राई करूंगी बनाने के लिए। मैगी तो बहुत ही ईजी होता है, वो बना के खिला दूंगी, पर मुझे लगता है कि वो लोग नहीं खाते हैं मैगी, क्योंकि उन लोगों ने जिंदगी में कभी मैगी नहीं खाया है। पता नहीं टेस्ट भी करेंगे या नहीं, और मतलब जो गांव के लोग होते हैं उनको मैगी का टेक्सचर भी इतना ज्यादा पसंद नहीं आता। उसके बाद मैं और कुछ बनाने का ट्राई करूंगी, अगर वो लोग मुझे परमिशन देंगे तो मैं बिल्कुल दिल खोल के ट्राई करने वाली हूँ। मम्मी से थोड़ा मदद लूंगी फोन पे, अगर वो लोग मुझे बनाने देते हैं तो। चलो अभी बकबक नहीं करती हूँ। हम लोग क्या है उधर लेट खाना खाते हैं, लेट सोते हैं, तो ये लोग एकदम टाइम के पंचुअल है, जल्दी खाना खा के जल्दी सो जाते हैं, तो अभी लेट नहीं करते और जल्दी से किचन में चलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं बना सकती हूँ या नहीं। ओके चलो चलते हैं। आज बेबी कुछ बना रही है, देखते क्या बना रही है। कुछ आता ससुराल में पहली बार कुछ तो बना रही है। कुछ आता नहीं। ये देखो मैं क्या बना रही हूँ। क्या बना रही हो तुम? मैंने मेरे देवर को बोला कि भैया मैगी लेके आ जाओ, मैगी नहीं मिला तो इप्पी नूडल्स लेके आए, और मैं सबके लिए पहली बार इप्पी नूडल्स बना रही हूँ। मम्मी जी बोलेगी मेरी बहू ने देखो क्या बनाया, चमत्कारी डिश। ये एक्चुअली पहली बार बन रहा है घर में, इससे पहले कभी खाया नहीं। सच में? हाँ क्योंकि यहाँ पे जवारी रोटी और राइस ही खाते हैं। सच में कभी नहीं खाया? सब कभी नहीं खाया। तो मम्मी जी को लगा कि मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। ये पूरा रेडीमेड है ना? क्यों बता रहे हो? इसमें क्या डालोगे? यही डालोगी। ओके कैसा लग रहा? चुड़ैल जैसा। तुम चुड़ैल के पति? क्या क्या करना पड़ रहा है देखो, सबके लिए प्लेट धोना पड़ रहा है। अरे मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ यार, जलने का स्मेल आ रहा है मेरे को थोड़ा। नहीं ऐसा मत बोलो। नहीं नहीं जलने का स्मेल आ रहा है। बेबी जला दिया क्या तुमने? चो बेबी रेडी हो गया? हाँ ये देखो। मैं सोच रही हूँ डिनर है। ये डिनर नहीं है, ये नाश्ता है। हाँ दिखने में कैसा लग रहा है? दिखने में तो अच्छा लग रहा है, देखते हैं खाने के बाद क्या कैसा लगेगा। बहुत मेहनत से बनाया है गाइस मैंने। हाँ मेहनत तो दिख रहा है, पसीना देखो कितना फेस पे, देखो कितना पसीना निकल गया, गर्म है ना। चिमटा ये ले लो, ये चिमटा ले लो, इससे पकड़ो। किचन में पहली बार आई हो ना, ये दिख रहा है लोगों को। नहीं मुझे तो पता है किससे पकड़ना है, वही पता नहीं है मुझे, सब पता है। चलो मम्मी टेस्ट तो करो। टेस्ट कैसे कुछ दे? लकी लकी गरम गरम है, नीचे बैठ कर नीचे। नहीं ऐसा मत हो, गिरा देगी हो।
अल्लाह तातो छ तातो छ तातो छ तातो। मम्मी जी ने तो रिजेक्ट कर दिया है। नहीं नहीं मैं तो खा के देखूंगा, मैं रिजेक्ट करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये मेरा पति देखो कितना ओवर एक्टिंग कर रहा है, जैसे कभी खाया नहीं है। बस बस बस, पहली बार खाया ना तुमने जिंदगी में? पहली बार खाया, बहुत अच्छा। पक्का? वेज पुलाव की तैयारी कैसे करना है पूछ रही है। प्याज लहसुन दी अपने मम्मी से पूछ रही है। हाँ हाँ, ठीक है। सबसे पहले तेल में इलायची, दालचीनी, इलायची, दालचीनी और जीरा, उसके बाद कड़ी पत्ता, उसके बाद अच्छा लहसुन और प्याज। अच्छे से रट्टा मारो, बोल जाओ नहीं तो। ठीक है, चल 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 बाय, मैं फिर फोन करती हूँ। जब काटने का तो मार के नहीं उसको, धीरे धीरे काटो, हाथ काट लोगे नहीं तो। तो मैंने देखो आलू कट कर लिया है और कड़ी पत्ता है, ये मेरी देवरानी ने कट किया है पत्ता गोभी, और ये मैंने कट किया है। तो मम्मी ने अभी वॉइस मैसेज में भेजा है, तो अभी हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। और ये किचन से बाहर ही नहीं जा रहा है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या परफॉर्मेंस रहेगा आज का। तो इसको डर लग रहा है कि मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाली हूँ, मेरा हाथ जलने वाला है, तो इसलिए ये बाहर ही नहीं जा रहा किचन से। इलायची है ना? बहुत गर्म हो गया है तेल, तो कुछ भी डाल उड़ जाएगा, देख के आराम से डालना, जल्दी डाल जल्दी डाल जल्दी डाल। तो बॉम्ब जैसा उड़ाने की वाली हो गैस पूरा। और फिर से सुनो वॉइस रिकॉर्ड, मम्मी ने जो भेजा है। हाँ मैं सुन रही हूँ और कर रही हूँ। आलू कब डालूं? मैं डाल रही हूं अभी। ओके, तुमने अपने आप से क्रिएटिव सोचा ना अभी? हाँ। अभी डायरेक्ट आलू डाल दिया तुमने? हाँ। मैं बोल रहा था लोगों को डिनर खिलाओगी क्या? मम्मी ने आलू का क्यों नहीं बोला? मम्मी ने आलू का क्यों नहीं बोला? तो मम्मी को फोन करके पूछ रहा। मम्मी को फोन करके पूछो। वही वही आलू को पकड़ने दो। कितना? आधा घंटा ना। कितने काला काला हो गया देखो। अभी गोभी डाला ना? हाँ, अभी वेज पुलाव का नाम मत लो, कुछ भी है वो बन रहा है, क्योंकि मैं बहुत टेंशन में हूँ। मतलब दिख रहा है कहाँ फंस गया, ऐसा फील हो रहा होगा ना तुमको? तुम्हारे दिमाग में ऐसा है? मैं अभी सबसे हैप्पीएस्ट स्टेट में हूँ अपने माइंड में। मुझे लगता है अभी इसमें थोड़ा ऑयल डालना चाहिए। अभी ऑयल फिर से डालोगे? ओके ठीक है। हाँ बन जाएगा, अभी ऑयल गर्म हो जाएगा। मेरा हाथ दुख गया, बहुत तीखा होता है देख के। हाँ ठीक है। सब्जी बना रही हो ना तुम? नहीं सब्जी नहीं बना रही हूँ। तुम चुप हो जाओ। अरे कितना चलाऊंगी, मेरा खांसी आ रहा है मेरे को। अरे कितनी बार ऑयल डालोगी? अरे मुझे समझ नहीं आ। अरे तुमने पूरा डब्बा खाली कर दिया ऑयल का। अरे खांसी आ गई, क्या जला रही हो बेबी? इसका नाम क्या है? कुछ भी पुलाव। कुछ भी पुलाव क्या? आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ गाइस। गाइस ये कब डालना है? ये डालना भूल गई है। हाँ पूरा रेस बन गया, ये इसको यही कुछ भूल गई है। ऊपर से डाल दो क्या? नहीं नहीं नहीं, बहुत खराब हो जाएगा। पहले मेरा पति टेस्ट करेगा प्लीज। नमक नमक नहीं है तो नमक डाल देंगे, और कुछ तो डाल नहीं सकते। टेस्ट कर देता प्लीज। एक बार तुम ट्राई करके देखो कैसा है, ठीक है ना? ठीक है। हाँ थोड़ा सा स्पाइसी है ना, थोड़ा सा लाल मिर्ची हिट हो रहा है, बाकी ठीक है। ठीक है ना, चलेगा। खाओ, कैसा लग रहा है? अच्छा है, बोला ना थोड़ा स्पाइसी हो गया है, और सब अच्छा है। तो गाइस मैंने बनाया है, और पुलाव तीखा बना मैंने भी खाया था,
पुलाव थोड़ा सा तीखा बन गया है। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा ही बन गया है। तुम तारीफ करो यार। हाँ ठीक है, मैं तारीफ करूँ, बहुत अच्छा सा बना था पुलाव। देखो मैं बताती हूँ आप लोगों को, पुलाव टेस्टी था। अभी तक मैंने ऐसा पुलाव कभी खाया नहीं था। बस हो गया। देखो गाइस, पुलाव टेस्टी था, ठीक है, टेस्टी था, नो डाउट। पर मेरे ससुराल वाले मसाला कम खाते हैं, तो वो हल्का सा तीखा बन गया। बाकी कुछ भी मतलब गड़बड़ नहीं हुआ उसमें। और मैंने थोड़ी और खुराफाती की थी, मुझे नमक कम लगा तो मैंने नमक ज़्यादा डाल दिया, और थोड़ा सा हल्का सा मतलब नमक थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। अभी क्या कर सकते हैं, मैंने फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया और इसने तो खाया, इसने तो बहुत अच्छा था, बहुत मतलब बहुत अच्छा था। पहली बार मैंने ऐसा खाना खाया। ये बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा है। तो मैं बोलूं तो क्या बोलूं, अभी मजबूरी है तो मैं वही खाना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइज चलो, तुमने ट्राई किया ना, अच्छी बात। इसी ने मेरा इपी नूडल खाया है घर भर के, और इसी ने मेरा पुलाव खाया है। डर के मारा खाना पड़ा, कोई खा नहीं रहा था। इसका पेट देखो, इसका पेट फटने को आ रहा है, कोई खा नहीं रहा था, मुझे खाना पड़ा। इपी नूडल मैंने भी नहीं खाया, तो इसी ने खाया है। ये मतलब हर चीज में इतना सपोर्ट कर रहा है, ताने भी बहुत ज्यादा मार रहा है मुझे, क्या कर रहे हैं अभी मेरा पति है। चलो गाइस, तो आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं। और आप लोगों को कैसा लगा ये व्लॉग प्लीज बताना, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलर हो जाऊं, और ये मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। फिर से खाना ना बनाना पड़े इतना बुरा थोड़ी बनाया मैंने। ओके गाइस, ठीक है, मैं अभी ट्राई नहीं करूंगी। तो मम्मी को भी मैंने फोटो वीडियो भेज दिया है, मम्मी का भी कोई रिएक्शन नहीं आया है। तो गाइस, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज मुझे बताना व्लॉग, और मैं और ट्राई करूं या नहीं ससुराल में इन लोगों को खिलाने के लिए। कमेंट्स में जरूर बताना। रेसिपी भी दे सकते हो, मतलब कुछ भी इजी जो मतलब फटाक से बन जाए और मसालेदार ना हो। आप लोग मुझे बिंदास रेसिपी भेजो कमेंट बॉक्स में, और मुझे थोड़ा इनकरेज करो गाइस। जिसमें ज्यादा टाइम ना लगे, जैसे दो दो तीन घंटा लगा पुलाव के लिए बस। तो दो दो तीन तीन घंटा नहीं लगा गाइस, एक घंटा लगा, क्योंकि मैं बहुत स्लो हूँ। तो चलो ठीक है, अभी मैं सीख जाऊंगी, वो लोग भी बहुत सपोर्टिव है। ओके गाइस, तो आप लोगों को कैसा लगा ये व्लॉग प्लीज बताना, और भी ऐसे व्लॉग्स आते रहेंगे इस चैनल पे। ओके गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।